क्या मुंह लटका के बैठा पड़ा यार, छोड़ो जिंदगी उतार चढ़ाव चलता रहता है। मेरे डैडी ने इस उम्र में दूसरी शादी कर ली। क्या बात करता है, वहाँ परेशान है, दिन भर रोती रहती है बेचारी। हम सब परेशान है इस रिश्ते से। यार होता है जिंदगी यार, छोड़ो। क्या होता है, क्या छोड़ो? अरे तेरे बाप ने किसी औरत से शादी किया ना, अपनी बड़ाबड़ी वाली से शादी किया ना, हाँ, कोई गुनाह नहीं किया। बात करता है सुनेगा क्या? अभी रिश्ते की बात निकलती तो मेरा खून खौलता है। अरे मेरे बाप ने तो मेरी बेटी से शादी किया यार। मेरे बाप ने मेरी बेटी से शादी किया। मेरी शादी हुई थी एक वीडो से, उसकी बेटी थी 12 साल की। हम 8 साल कांग कांग में रहे, वो 12 साल की बेटी 20 साल की हो गई। हम लोग इंडिया घूमने आ गए, घर पे आ गया, समझे? अब मेरा बाप, उसको देखो तो हैंडसम आदमी है, योगा उगा करता है, यंग लगता है, कोई देखे बोले कि ये इसका एल्डर ब्रदर है। उसकी नज़र पड़ी इस पे, मेरी बेटी पे, सौतेली बेटी, इसकी नज़र उस पे पड़ी, दोनों में कुछ गड़बड़ चालू हो गया। मेरे को थोड़ा डाउट आ गया, हम बोले ए बाप क्या करता है, मेरी बेटी है तो क्या बोलता है पता है? तेरी खुद की बेटी है क्या? बोला खुद की नहीं तो मेरी बीवी की तो बेटी है। बोले चुप कर, अपना काम कर। बोला देख फिर लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा हुआ ना, दोनों जाके शादी कर लिया। बोलता मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी, मेरी बेटी से शादी किया ना मेरे बाप ने, तो मेरा बाप मेरा क्या हुआ? दामाद हुआ ना, है? और मैं उसका ससुर हुआ। सगा बेटा बाप का ससुर हुआ और मेरा दामाद हो गया। बोलो अब वो मेरी बेटी जो है मेरी माँ बन गई, और मेरी जो बीवी है ना, जो मेरे बाप की बहू थी, अब सास बन गई। देखो कैसा रास्ता है, समझ में आता है? इधर का इधर रिश्ता देखो। अब ये जो मेरी बेटी है, जो मेरी माँ बनी हुई है, हाँ, अभी इसकी सगी माँ उसकी बहू हो गई है। खुद की बेटी माँ की सास बन गई है, सास बहू का रिश्ता हो गया माँ बेटी का। देखो कैसा रिश्ता हो गया यार। किस रिश्ते की बात करता है? तुम्हारा तो एक दूसरी माँ आ गई, उसके बच्चे तेरे भाई बन गए, सीधा सीधा है। मेरा देखो कुछ दिन के बाद में उनको बचा हुआ बेटा पैदा हुआ, मेरे को भी बेटा पैदा हुआ। अभी आगे देखो कैसा रिश्ता बनता है यार। अब उसको बेटा हुआ तो मेरा भाई हुआ ना यार, मेरे बाप का बेटा भाई हुआ ना। अब वो मेरी बेटी का बेटा है तो मेरा क्या हुआ? नवासा हुआ, मैं उसका नाना हुआ। नाना और भाई और मेरा बेटा ना, मेरा बेटा इसका क्या हुआ? साला हुआ ना यार, इसकी औरत का भाई, मेरा बेटा उसका भाई हुआ ना। अभी साला देखो जो पोता है मेरा बेटा, मेरा बाप का पोता है ना यार, पोता साला हो गया। अभी मेरा बेटा इसको क्या जीजा बुलावे, दादा को जीजा बुलावे। देखो कैसा रिश्ता, और आगे चलेगा क्या? चलूं आगे? कभी कभी ये दिनों में झगड़ा होता बच्चों में, ये बेहना बोलता है मेरा बाप ए साले, अबे मैं बोला ए साला नहीं बोल, तेरा पोता है। अभी मैं उसका नाना हूँ, वो मेरा नवासा भी है, मेरा भाई भी है, वो मेरी बेटी भी है, मेरी माँ भी है, अब ये मेरी औरत भी है, औरत भी है मेरी, पता नहीं सास भी है। ये क्या है यार, ये कैसा रिश्ता है? ऐसा रिश्ता किधर देखा है? तू तेरे बाप की बात करता है, मेरा बाप मेरे को भूल देता है, ऐसा मेरा बाप है, ऐसा बाप कभी दुनिया में देखा है? ए भाई देखा है, मर गया है। ग्रेट पीपल और पीछे बैठे पुलिस वाले भाई, सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। अब डांस भी देखे आपने, देखे क्या डांस? डांस में लगता है हर डांसर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। एक्चुअली नाचना नहीं होता है, नाचने को मैं कहता हूं ढूंढना। ये आजकल का जितना डांस है इसमें ऐसा लगता है ये लोग साबुन ढूंढ रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, साबुन अचानक हाथ से गिर जाता है, फिर ढूंढ रहे हैं। साबुन ढूंढ डांस, मुर्गी पकड़ डांस, आजकल डांस कमाल है मुर्गी सब। अभी आजकल जो हिप हॉप जो आया है वो मुर्गी पकड़। ये मुर्गी पकड़ डांस, मुर्गी ढूंढ डांस।
पहले के जमाने में आज के जमाने में काफी फर्क है। देखिए पहले के जमाने में गाने होते थे, रेशमी सलवार करता जाली का, रूप सहा नहीं जाए वो नखरे वाली का। ना सलवार है ना कुर्ता है, खाली जाली है। वो भी बांध के बोलती है, देख ले आंखों में आंखें डाल, देख ले। पुलिस वाला है क्या? हमारे विश्वजीत जी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। विश्वजीत साहब, इनकी एक फिल्म थी मैं सुंदर हूं, उसमें एक गाना था, हीरो हीरोइन लीना चंद्रकर जी ये कुछ बर्फीली जगह पे फंस जाते हैं, ठंड में फंस जाते हैं, तो वहां गाना गाते हैं। हीरोइन बोलती हैं, लीना जी बोलती हैं इनसे, विश्वजीत जी से, मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा, न जा, न जा, न जा, न जा। खुला इनविटेशन दे रही है। और शरीफ हीरो विश्वजीत जी, आग दिल में लगी है मेरे पास, तू ना आ, ना आ, ना आ, ना आ, ना आ, ना आ। देखिए कितनी ईमानदार लोग थे, खुला इनविटेशन, लेकिन आग दिल में लगी मेरे पास, तू ना आ। और आज लड़की आग लेके घूम रही है, बोलती है, बीड़ी जलाई ले, जिगर से पियो, जिगर माँ बड़े आग, रप 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 रप। इनको किचन में बिठाओ, गैस की जरूरत नहीं है, सिलेंडर की जरूरत। तो डांस जो है, देखिए डांस कितना अच्छा है, जैसे भरतनाट्यम डांस, उसमें भी ढूंढते हैं, पुण्य 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 सबका अलग अलग ढूंढना होता है। अब अरब कंट्री में जाएंगे, वो लोग ऊंट पे बैठ के ढूंढते। सबसे अच्छा हमारे गुजराती भाइयों में एकता क्यों है, वो बेचारा अकेले नहीं ढूंढते, एक साथ ढूंढते, एक साल इसलिए आगे बेचारे। देखिए ढूंढने की बात से, देखिए हम आजकल टीवी पे देखते हैं दुनिया भर के प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, कोई बच्चा किसी गड्ढे में गिरा हुआ है, उसको पुलिस ढूंढ रही है, उसको निकालने की कोशिश करती है, कहीं भी गिरे, किसी गड्ढे में लालू जी गलती से गिर जाए, लालू जी गड्ढे में गिर गया, और किसी ने देख लिया लालू जी गिर गए, अरे लालू जी, लालू जी अंदर के गड्ढे में गए, लालू जी, अरे बाप रे, बुलाओ उनको, बुलाओ उनको, बुलाओ लालू जी, लालू जी, लालू जी, आप टेंशन मत लीजिए, लालू जी हम आपको बाहर निकालेंगे, आपके लिए जान हाजिर है, आप इतने बड़े नेता हैं, आपने इतना फायदा किया है रेलवे को, आप अंदर गए लालू जी, अरे जी 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 क्या, अरे का बड़ा 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 बड़ा। हम समझ रहे हैं लालू जी, गड्ढे में से बात आपकी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, वो सबको पता चलेगा, सब लोग आएंगे आपकी मदद के लिए, सब आएंगे, हाँ जी सब आएंगे जी, राज ठाकरे को भी बुलाते हैं, अरे अरे उसे कहा बुला, अरे उसे कहा बुला रहा, ऊपर से मट्टी डलवाओगा क्या? अच्छा लालू जी आपको नहीं पता आपको लोग कितना प्यार करते हैं, पूरा देश विदेश में भी आपकी मोहब्बत है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, बुश को पता चला, बुश ने कहा कि लालू जी को किसी तरह बाहर निकालो, यू हैव टू से मिस गेट ऑन आर्मी मेमोरीज इन फ्रॉस गेट रियल गेट यू राइट फ्रॉम दिस ब्रेव ब्रेक योर रेलवे मंत्री यू हैव टू डू समथिंग फॉर हिम नाउ इज अ ग्रेट लीडर या इफ यू डोंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग वी कैन सेंड आवर टेक्नीशियन फ्रॉम यूएसए जी, उन्होंने कहा कि वहां से टेक्नीशियन भेजेंगे आपको निकालने के लिए, वहां से अमेरिका से टेक्नीशियन आएंगे, अरे कहा हमको निकालेगा, अब उसको सलाह बोलो कि पहले लादन को निकालो, हमको निकालने का बात बात। अजी संजय दत्त जी आए, संजय दत्त जी, संजय दत्त जी आइए आइए, यहाँ शूटिंग कर रहे थे, उनको पता, संजय दत्त को पता चला कि आप अंदर हैं, वो आ गए हैं, संजय जी आइए आइए आइए, लालू जी कमल हो गया, अरे ए लालू जी ये तो कमल हो गए, आप अंदर कैसे गए, मुझे पहले बताइए आप अंदर कैसे गए, अरे तो इतने बार गया मैं पूछा, बात करता है, सलमान जी, सलमान जी आए, लल्लू
लालू जी, अब बेफिक्र रहिए, हम आपको बाहर निकालेंगे। लालू जी, आपको बाहर आना चाहिए प्लीज। क्यों? नहीं, हम चाहते क्या बाहर आया? क्यों? मैं बाहर आऊंगा, ऊपर से गाड़ी लेकर जाए। उनको गाड़ी चलाना आता नहीं एक्चुअली। मलिका जी आइए, मलिका जी, मलिका शरावत जी आइए। लालू जी, हमको बड़ा बुरा लगा जब आप अंदर, हमको पता चला कि आप गड्ढे में गए हैं, हमें बड़ा बुरा लगा। सच्ची कहती हूँ, आप बड़े अच्छे हैं। कैसे गए हैं आप? आप गड्ढे में कैसे गए, क्यों गए हैं? जो तुम्हारा खातर कहा है, ऐसे ऐसे कपड़ा पहन के घूमती हो, शर्म के मारे हैं आपको छुप गया हूं मैं, समझे? अमर सिंह जी आइए, अमर सिंह जी आइए, अमर सिंह जी। लालू जी, बड़ा बुरा लगा जब हमको पता चला कि आप गड्ढे में गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में चलता रहता है, हम दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, बात अलग है। ये तो भी बात है, तुमने अगर हम आपके बात को नहीं आते तो आप कहती तुमने जाने कहाँ गए, कहाँ खो गए, भरी दुनिया में बताना हो गए। आपका नाम नहीं लालू जी, आपका नाम नहीं, हम आपके साथ हैं। पॉलिटिकल झगड़ा अलग होता है, लेकिन हम तो मोहब्बत करते हैं। अरे हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं, तो कूदो ना तुम भी। राबड़ी जी आइए, राबड़ी जी, राबड़ी जी, राबड़ी जी, कैसे हुआ? पता नहीं, देखो ऐसे मजाक मजाक में कह दे देश गड्ढे में जा रहा है तो देखने चले गए होंगे, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, इनको जरा खैनी दे दो ना। मैं खैनी लाई हूँ, खैनी, खैनी पहुंचा दो। कॉल आई है जी, आपके लिए खैनी लाई है, टाइम पास करिए अंदर। देखो ये औरत है, टाइम पास के लिए खैनी भेज रही है। अरे खाना नहीं लाई? मैं खाना ला रही थी, फिर सोची खाना खाओगे अंदर बहुत देर रहना पड़ेगा तो कहाँ जाओगे फिर। लालू जी आप घबराइए मत, हम लोग किसी तरह, सब लोग आ रहे हैं, बहुत चिंतित सब सब आएंगे। अरे भाग लालू जी, लालू जी आप बेफिक्र रहिए, आप हमको बाहर निकालेंगे। लालू जी, लालू जी, लालू जी, लालू जी और अंदर तो नहीं गए? लालू जी, लालू जी, इतने लालू जी पीछे से कहीं से आगे दूसरे गड्ढे में से बाहर निकल के कहा, भाई गड्ढा देख के पहुंच जाता, पुलिस बच्चा समझ रखा का, टाइम पास कर लिया, अंडरग्राउंड रेलवे लाइन डाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो हसीना थी फूलन देवी, उस पे मेरी नजर यूं पड़ी, आंख इन आंखों से मार दी थी, सैंडल इन गालों पे है पड़ी। मौत चाहिए।